हो गया ना भैया? तो भाई ये रहा मेरा छोला भटूरा, इसको खा लेते हैं फटाक से, भूख लगा है। ये दोस्तों मौसम साफ हो चुका है और ये रहा होम थिएटर इस घर का, ठीक है। फटाक से देख के आते हैं कहाँ कैसे लूँ, ऐसे ही आ जाएगा। खुल जा सिम सिम, नहीं खुलेगा। और पानी जो है ना अभी रुक चुका है, ठीक है। और मैं काफ़ी सारा पार्सल जो है ना लेके जो निकला था, भीग भीग के पार्सल बांट रहा था, ठीक है। और दोस्तों ऑफिस आ गया था अभी ना, कम से कम 16-17 पार्सल बचा हुआ है। और मौसम देख ही सकते हैं, पानी गिर रहा है ऊपर से, ठीक है। पार्सल कैसे बांटूंगा वही सोच रहा हूँ एकदम। आप ही कहें, मेरे को लगा कि ये वाला घर है, ठीक। अपने पैर में नियंत्रण रखो, ठीक है, खुल के नीचे गिर जा रहा है। तो भाई इस घर का 3 पार्सल है, ठीक है। घर पे है कि नहीं पता नहीं, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, चिल्ला रहा हूँ कब से, निकल ही नहीं रहे। भैया 2 दीजिएगा 10-10 का। कमेंट तो करेंगे, तुम बताओ क्या करना सही रहेगा। 4-5 साल पुराने व्यक्ति हैं, तो मैं इनको कैसे बोल सकता हूँ कि आप छोड़ दो। कस्टमर है पता नहीं, कस्टमर सही है लेकिन घर से निकलवे ना करें, पीछे तरफ होंगे। सकते हैं, हालांकि दूर का पार्सल नहीं है, फटाक से बांट के आ जाऊंगा। ये क्या देख रहा है इधर उधर क्या हाल चाल है, बहुत दिन बाद मेरे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस और देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज की कहानी मेरी क्या होती है। तो आप लोग से ना एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ कि मैं ना पिछले 5 साल से डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को कंटिन्यू करूँ या फिर छोड़ के कुछ दूसरा अपना खुद का कुछ करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से डिलीवरी बॉय का ही जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। 2018 से मैं डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहा हूँ। तो क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम कंटिन्यू करता रहूं या फिर छोड़ के कुछ दूसरा कुछ अपना या फिर किसी और जॉब ढूंढ लूं या खोज लूं, क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मेरे को कंटिन्यू इस काम को जारी रखना है या फिर खुद का कुछ अपना करना है। तो चलिए चलते हैं ऑफिस और देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज की कहानी मेरी क्या होती है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आप लोग शेयर करूं और आप लोग से ये राय लेके कुछ करूं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही दीजिएगा कि क्या करना सही रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आते तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आज बताइएगा मैं कंटिन्यू करता रहूं या छोड़ दूं, ठीक है। चलिए चलते हैं अभी ऑफिस। तो भाई अपना बाइक तैयार कर चुका हूं और आज भी ना बहुत ही ज़्यादा पार्सल है, देख सकते हैं बोरी में लटका लिया हूँ। 2 पार्सल जो है ना बहुत बड़ा बड़ा पार्सल है, ठीक है। बड़ा बड़ा पार्सल एक बार लटका लिया था, उसके बाद क्या हुआ था ना, बाइक से ना पूरा गिर गया था, उसको फिर से बांध के फिर से तैयार किया हूँ, देख ही सकते हैं। हालांकि दूर का पार्सल नहीं है, फटाक से बांट के आ जाऊंगा। ये क्या देख रहा है इधर उधर लेकिन मैं रिक्स नहीं लेता, फालतू का गिर हो जाऊंगा तो मैं कई बार गिर चुका हूँ, लेकिन गाड़ी क्या करूँ, लेना पड़ता है ना। और एक ही कस्टमर का 2 पार्सल है बड़ा वाला जो है, तो शुरुआत इसी कस्टमर से ही करूँगा। मेरा भी पार्सल पता है 3 को बड़ा बड़ा है, लेकिन मैं लेके मेन चीज़ क्या है ना कि मेरा मीटर खराब है और जितना भी गाड़ी चलेगा मीटर में लिखता नहीं ज़्यादा, और जितना मीटर चल रहा है तो 10 राउंड मारे जितना चलेगा उतना ज़्यादा इसको फायदा होता है, है कि नहीं भाई। तो और भाई और क्या बोलते हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को करूँ या छोड़, बताओ। कमेंट तो करेंगे, तुम बताओ क्या करना सही रहेगा। पाँच साल पुराने व्यक्ति हैं, तो मैं इनको कैसे बोल सकता हूँ कि आप छोड़ दो, आपके साथ हो रहा है। चलो देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अब कस्टमर लोग क्या करते हैं पता नहीं, और मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग क्या बोलते हैं उनके हिसाब से चलेंगे, है कि नहीं। ओ देखो उसका भी गिर गया क्या, रखा है। चल भाई चलते हैं फिर, ठीक है। चलो अब पता नहीं अभी जा रहे हैं कितना टाइम आऊँगा लौट के, फिक्स नहीं रहता है कि नहीं। और सुबह का खाना क्या है, हाँ, और सुबह का खाना पता नहीं कितना बजे खाऊंगा, लगभग 4 ना बज जाए, है कि नहीं।
हर दिन की तरह। चलिए दोस्तों, फर्स्ट स्टॉप पे आ गया था और बड़ा बड़ा जो तो पार्सल है ना इसी घर का है, फटाक से दे देता हूँ, ठीक है। और बाइक जो है ना लहरा रहा था क्योंकि ये जो पार्सल जो है ना एक साइड हो गया था, ठीक है। चलिए इसको उतार लेता हूँ और फटाक से डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। मौसम तो पार्सल था दोस्तों, बड़ा बड़ा जो पार्सल था ना उसको डिलीवर कर दिया हूँ। और यहाँ का भी पार्सल था, दो पार्सल दे के आ गया हूँ। अभी और एक कस्टमर का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले कस्टमर का बोले कि भैया मैं नहा रहा हूँ, नहाने के बाद फिर आऊँगा। तो मैं चलो एक बार मैं देते हुए जाऊँगा, 10 मिनट बोले इंतज़ार कर लें, 10 से 15 मिनट हो चुका है। एक बार और कॉल करके देख लेता हूँ, आ जाएंगे तो इसको देते हुए फिर निकलूँगा। तो मौसम भी कोई पता नहीं, पानी वानी गिर सकता है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि बाकी, ठीक है, नहीं तो पानी गिर जाएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से बहुत सारा पार्सल है और दूर का भी पार्सल है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों यहाँ का एक पार्सल लेके आया था, इस घर का ये वाला पार्सल है, ठीक है। कस्टमर जो है ना नंबर ब्लॉक करके रख दिए हैं और घर वाले बोल रहे हैं कि घर पर नहीं है, रायपुर गए हुए हैं, ठीक है। और घर वालों से नंबर भी लिया हूँ तो उस नंबर में भी कॉल उठा नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इसको अटेम्प्ट लगा के चलते हैं आगे, क्योंकि रायपुर गए हुए हैं, कॉल लगे उसके बाद घर वाले लेंगे। तो घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं लूँगा कि घर वालों का भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आगे क्या होता है, अभी इसको लेके घूमना पड़ेगा सब जगह जब तक कॉल घर पे है कि नहीं पता नहीं। दरवाज़ा तो खुला हुआ है, चिल्ला रहा हूँ कब से, निकल ही नहीं रहे। भैया, ओ भैया, इस घर में जब भी आता हूँ पार्सल लेके ना आधा घंटा तक इंतज़ार करना पड़ जाता है। घर बना लिया लेकिन घर के कहाँ पे छुपे रहते हैं पता नहीं, इधर भी दिखाई नहीं दे रहा है। पार्सल था, बाहर आइएगा, ना घंटी लगा के रखे ना कुछ। भैया, ओ भैया, उन लोग से पूछना पड़ेगा क्या, इधर देख लेता हूँ एक बार। कैसा कस्टमर है पता नहीं, कस्टमर सही है लेकिन घर से निकलवे ना करें कि पीछे तरफ होंगे। घर का एक राउंड मारना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं किसी कस्टमर के घर के ना चारों राउंड घूम रहा हूँ, कहीं से तो निकले। यहाँ पे भी खटका, ये तो ताला बंद है। इतना बड़ा घर बना लिए हैं लेकिन ना कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना ही एक घंटी लगाए हैं घर में। भैया क्या करूं यार, कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं ना, मेन चीज़ अटेम लगा के सीधा फाड़ूंगा। नाटक करते हैं हर टाइम, जब भी आओ तो अभी मतलब ना कॉल रिसीव करेंगे ना घर से निकलेंगे कोई। ऊपर से 3 पार्सल हैं। हेलो ट्यून पाने के लिए स्टार और 9 दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। घंटी जा रहा है लेकिन कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं।
नहीं उठाने वाले हैं, मैं समझ गया, इसको मारता हूँ अभी हर टाइम। मेन चीज़ क्या है ना, 3 पार्सल कस्टमर का, घर आने के बाद भी अगर कस्टमर कॉल ना रिसीव करें, घर से कोई ना निकले, तो पार्सल डिलीवर करूँगा तो किसको करूँगा। लो चलिए दोस्तों, ऐसे कस्टमर को तो पार्सल कभी दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ना कॉल उठा रहे हैं और ना ही घर से कोई निकल रहे हैं। ऊपर से 3 पार्सल है, ठीक है, फालतू का 3 पार्सल अटेम हो गया है। अभी घर आने के बाद भी ना घर से निकलेंगे ना कॉल रिसीव करेंगे, तो ऐसे लोगों को पार्सल देना ना देना बराबर ही है। ऑर्डर ही क्यों करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। चलिए चलते हैं आगे। दूर आ गया था दूसरे गांव में पार्सल देने के लिए, फिलहाल इसी घर का एक पार्सल था, दे दिया हूँ, पैसा लेने के लिए गया है अंदर, ठीक है। अभी तो मौसम थोड़ा सा ठीक किया है, चेंज होगा तो चेंज कीजिएगा ना। कॉल किया था तो बोले कि ग्रे कलर का जो कार है ना वहीं पे खड़े रहना, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है यही वाला घर हो सकता है। आप ही क्या हैं? मेरे को लगा कि ये वाला घर है। गर्मी इतना लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। आइसक्रीम वाले भैया आ रहे हैं, 2 तो ले लूँगा, 10-10 वाला, प्यास भी लगा है जम के ना, और बैग छोड़ के आ गया ऑफिस में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं भैया। 2 दीजिएगा 10-10 का, ऐसे पकड़ लीजिए इसको। तो दोस्तों फिर से उसी घर में आ गया हूँ पार्सल देने के लिए। उस टाइम कॉल रिसीव नहीं किए थे, अभी कॉल रिसीव कर लिया, बोल रही कि भैया जल्दी आ जाओ देने के लिए, मैं कहीं जाने वाली हूँ, ठीक है। उसी टाइम घर आ गया, तो उसी टाइम अगर ले लिए होती तो मेरे को दोबारा आना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए कॉल कर देता हूँ, उसी टाइम आया था, उस टाइम अगर पार्सल ले लेती ना तो मेरे को आना नहीं पड़ता। हेलो ट्यून पाने के लिए स्टार ऑन नो दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। हालांकि आइसक्रीम खा रहे थोड़ा अच्छा लग रहा है, हालांकि पानी प्यास लग रहा है, पानी पीना है। हाँ मैडम, घर के बाहर ही खड़ा हूँ, आ जाइएगा बाहर। बस वही आपका कृष्णा होंडे के सामने, आपके घर के सामने ही खड़ा हूँ। क्या बोले आप? आपके घर के सामने ही खड़ा हूँ। वहाँ मोबाइल देखो, देखिए है ना वहाँ बगल में। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ मोबाइल दुकान है, कौन सा? दो मोबाइल दुकान है ना। हाँ दोनों में पीछे वाला मोबाइल ना। चलिए ठीक, तुरंत। चलिए दोस्तों, एक कस्टमर से तो बात हो गया है, उस टाइम रायपुर गए हुए थे, उनके पास कॉल लग गया है, अभी दे दूँगा फिलहाल पार्सल। और यहाँ का भी एक पार्सल था, ठीक है, लेकिन आज तो बैंक ही बंद है क्योंकि आज ईद है, ठीक है, ईद के कारण बंद है, कल भी बंद रहेगा, और कस्टमर जो है कॉल उठा नहीं रहे। चलिए आगे चलते हैं, उस पार्सल को देख के फिर ऑफिस जाना है। दोस्तों ऑफिस आ गया था, अभी ना कम से कम 16-17 पार्सल बचा हुआ है, और मौसम देख ही सकते हैं, पानी गिर रहा है ऊपर से, ठीक है। पार्सल कैसे बांटूंगा वही सोच रहा हूँ, एकदम अंधेरा भी हो चुका है और रिमझिम पानी गिर ही रहा है, ठीक है। और आज का पानी तो ठंडा होगा क्योंकि पानी गिर रहा है, ठीक है। तो भाई पानी छूटेगा उसके बाद ही जाऊँगा पार्सल बांटने के लिए, रिमझिम। आधा घंटा के लिए फुर्सत मिल जाता ना, बाहर देता पार्सल। चलिए दोस्तों फिर से बाइक ओवरलोड कर लिया हूँ, ठीक है। हालांकि पानी थोड़ा सा गिरना बंद हुआ है, फटाफट से बांट के आता हूँ। हालांकि उधर से दिख रहा है रिमझिम गिर रहा है, बांट पाऊँगा या नहीं, जितना बांट सकता हूँ उसको बांट के आता हूँ, नहीं तो रात हो जाएगा। ऐसे ही लग रहा है कि अंधेरा हो गया, रात हो गया है, ऐसे ही लग रहा है भाई। काफ़ी सारा पार्सल जो है ना बांट चुका हूँ, और पानी जो है ना अभी रुक चुका है, ठीक है। और मैं काफ़ी सारा पार्सल जो है ना लेके जो निकला था, भीग भीग के पार्सल बांट रहा था, ठीक है। और अभी एक कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्सल है देना है, संकट मोचक मार्ग बोले हैं कि भैया आ जाइएगा, लेकिन अभी आने के बाद तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, और एक बार कॉल करके देख लेता हूँ।
ठीक है भाई, उठा लो जल्दी से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त व्यस्त बता रहे कब से यार, उठा लो यार। घर भी नहीं पता है ना, मेन चीज यही है। लिखा सन 10 में से इसको संकट मचक मार। किससे इतना बात करते हैं पता नहीं यार, कब से बिजी बिजी बिजी। और समझना चाहिए कि कॉल आ रहा है तो कोई ज़रूरी कॉल ही हो सकता है, जबकि मैं जस्ट अभी बात हुआ है, 5 मिनट पहले ही बात हुआ कि भैया मैं आ रहा हूँ, तो बोले हाँ ठीक है आ जाओ, वही बोले हैं एड्रेस के यहाँ पे आ जाना, और अभी बिजी बता रहे हैं। चलो उठा लो, नहीं लग गया कॉल, उठा लो भाई। हेलो हेलो, ये संकट मोचक मार्ग का जो बोर्ड लगा हुआ है ना, बस वहीं पे खड़ा हूँ, कहाँ पे देना है बताइएगा। संकट मोचन की बोर्ड यानी कि मेन रोड में। हाँ हाँ हाँ, किधर जाना है बताइएगा। आपको मंदिर के पास आना है। अच्छा अच्छा, चलिए तुरंत मंदिर। हाँ ठीक, तुरंत आ रहा हूँ। ये दोस्तों मौसम साफ़ हो चुका है, और ये रहा होम थिएटर इस घर का, ठीक है। पटाख से देख के आते हैं, कहाँ कैसे लूँ, ऐसे ही आ जाएगा। खुल जा सिम सिम, नहीं खुलेगा, धक्का मार के खुलना पड़ेगा। कलेक्शन देखिए, किया फोर्ड, और ये क्या है, इनोवा होगा शायद। चलिए पटाख से इसको देख के आते हैं, देखता हूँ ऑनलाइन पे करते हैं या कैश देते हैं। मैडम पार्सल था, ओपन करोगे तो तुम्हारा ये दिखेगा सामान। नहीं मतलब वीडियो रहेगा। रुकिए इसको पलट ही लेता हूँ। स्पीकर ओरिजिनल है ना, किसी को दिया हुआ तो नहीं है। नहीं, इसको दवा टाइप से लग रहा है मेरे को, दवा लग रहा है। और इसको ना रिटर्न ही कर दीजिएगा ना, यहाँ से थोड़ा सा देखिए निकला नहीं है। निकला ये वाला दवा नहीं। हाँ मेरे को ये वाला लग रहा है, दबा हुआ बाहर निकला हुआ है स्पीकर, कि ऐसे ही रहता है कि क्या पता। नहीं मेरे को तो नहीं लगता है, तो बराबर होना चाहिए, रिटर्न डाल दीजिएगा। फालतू तो ये बराबर इससे होना चाहिए ना, ये देखिए ना। चलिए दोस्तों पार्सल तो दे दिया हूँ, लेकिन ये स्पीकर थोड़ा सा डैमेज टाइप से लग रहा है, ठीक है। मैं बोला कि रिटर्न ही डाल दीजिए। हाँ कि 6,300 रुपये का है, कि नहीं इतना महंगा सामान है, बंद हो जाए यार।
चलिए बस एक पार्सल दूंगा, उसके बाद ना कुछ खा लूँगा यार, भूख लगा है पता है, लगभग 2:30 से ऊपर हो गया है, सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं, लेकिन बस आइसक्रीम खाया था, उसके अलावा अभी तक कुछ खाया नहीं। ठीक है, टाइम कितना हो गया मैं अभी नहीं देखा, रुके देख ही लेता हूँ टाइम कितना हो गया है, मेरे को लग रहा है 2:30 बज गया होगा, 2:30 नहीं यार 3 बज गया है। ठीक है, एक पार्सल बचा हुआ है उसको दूंगा, उसके बाद कुछ खा लेता हूँ, भूख लगा है बहुत ज़ोर से। प्रीपेड पार्सल है, ले लीजिए। ठीक, तो भाई ये रहा मेरा छोला भटूरा, इसको खा लेते हैं फटाक से, भूख लगा है, सुबह से नहीं खाया तो भाई इतना। चलिए दोस्तों, अपना काम पूरा ख़त्म हो चुका है और MR सर्विस मेरे बाइक में बैठा हुआ है सर्विस देते हुए। ठीक है, पैसा भी जमा कर दिया है, MR सर्विस चलाओ ना यार, कब से मैं थका हुआ हूँ सुबह से, मैं तो तुम तो आराम कर रहे हैं क्या, मतलब कल का लोड भी आ चुका है। ठीक है, मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा पार्सल बांटने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन इसी मौसम में बांटने में मज़ा भी आया क्योंकि गर्मी नहीं लगा, लेकिन तो हालत ख़राब हो जाता। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं गांधी स्टेडियम। ठीक है, घूमने नहीं जा रहे, कुछ काम से जा रहे हैं। भाई ये रहा अंबिकापुर का गांधी स्टेडियम, फिलहाल आ गया था और बरगद पेड़ के पास जो भैया बैठे हैं वहीं पे जा रहा हूँ, कुछ काम था। ठीक है, चलो अच्छा। तो भाई बारिश फिर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं, मछली ले लो, मछली बेचना स्टार्ट कर दे क्या, काम धंधा छोड़ के मछली बेचें या फिर मछली में ज़्यादा फायदा है, मछली बेचें या फिर फल वगैरह बेचें, कुछ तो करना पड़ेगा है कि नहीं, पार्सल बेचें या फिर पार्सल बेचना क्या करें। झींगा मछली कैसे रुपये किलो है, ज़्यादा छोटा हो गया है। और महंगा मिलता है, वही बंदा है जो बाइक चला रहा है। ठीक है, और चप्पल गिरा दिया है, चलाते चलाते है मेरे को लेके आने बोल रहा है, ध्यान ही नहीं रहता है। एक्वालाइट का सैंडल, एक्वालाइट लो, अपने पैर में नियंत्रण रखो। ठीक है, खुल के नीचे गिर जा रहा है। चलो भाई फिर से, पानी गिर रहा है, पापा के लिए दवाई लेने के लिए आ गया था। ठीक है, वही सो मेडिकल हो गया ना भैया, पानी भी स्टार्ट हो गया है।